प्रफुल्ल जैसी क्या दिखती है बाबूजी? हंसा उसकी बगल में देख। अरे वो हाथ उठाएगी तो देखूंगी ना। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कॉमेडी फिल्मों में से एक खिचड़ी के सिक्वल खिचड़ी 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। और इस ट्रेलर का रिव्यू मैं वन लाइन में करूं तो इट्स अ सुपर्ब एंड मोस्ट हिलेरियस ट्रेलर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। काफी लंबे समय के बाद बॉलीवुड की किसी कॉमेडी फिल्म का ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा और एक बार फिर खिचड़ी की पूरी टीम ने दिल जीत लिया। दोस्तों बताते चले कि खिचड़ी इंडिया के मोस्ट लव्ड कॉमेडी फिल्म थी, जैसे कि आज पूरा भारत पसंद करता है। और अब इसके दूसरे पार्ट खिचड़ी 2 के ट्रेलर को देख के भी यही लग रहा है कि ये फिल्म अपने पहले पार्ट से भी ज्यादा फनी और एंटरटेनमेंट से भरी होने वाली है। ट्रेलर देखकर तो भाई हंसी नहीं रुक रही थी, पता नहीं मूवी के टाइम पे क्या होगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। दोस्तों ट्रेलर में हमारे प्रफुल्ल भाई पान तुर्किस्तान के राजा के रोल में नजर आने वाले हैं और दुनिया को तबाही से बचाने वाले हैं। जस्ट इमेजिन, प्रफुल्ल भाई दुनिया को तबाही से बचाने वाले हैं। अब ये कमाल कैसे होगा ये तो आपको फिल्म में ही देखने को मिलेगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, वो अपनी कॉमेडी और एक्टिंग से सभी का दिल जीतने वाले हैं। खिचड़ी का जो ओरिजिनल कास्ट था वो ही खिचड़ी 2 में भी है और अपने यूनिक डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन से खूब हंसाने वाला है। ट्रेलर में फराह खान और कीर्ति कुल्हारी का भी कुछ अपीयरेंस देखने को मिला है। बाकी कुछ और नए एक्टर्स कास्ट में ऐड हुए हैं जो आपको ट्रेलर देखकर पता चल जाएगा। 2 मिनट के ट्रेलर में ही स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। फिल्म तो पैसा वसूल रहने वाली है, लेकिन ट्रेलर देख के ही तो पूरी फिल्म का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इस फिल्म के टिकट जल्दी से बुक करवा लीजिए। फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर आ रही है, यानी पूरी फैमिली को इस दिवाली के मौके पर हंसने का मौका मिलने वाला है। ट्रेलर में दिखाए गए लोकेशंस, विजुअल्स और म्यूजिक धमाकेदार है। डायलॉग तो इस फ्रेंचाइजी की जान है और इस बार प्रफुल्ल और हंसा की जुगलबंदी इस ट्रेलर में सुनने को मिल रही है, वो भी जानदार है। इस सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म का इंतजार ऑडियंस को काफी बेसब्री से था और आज इस फिल्म के कॉमेडी और एंटरटेनमेंट भरे ट्रेलर को देख के बस यही कहूंगा कि इट्स ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर। आतिश कपाड़िया को मानना पड़ेगा कि उन्होंने इंडिया की सबसे लंबी कॉमेडी फ्रेंचाइजी को बनाने का फैसला किया और एक बार फिर हंसो और हंसाओ का सीजन लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये एडवेंचरस कॉमेडी फिल्म इस दिवाली 17 नवंबर को सिनेमाघरों में आ रही है, इसे देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपको यह ट्रेलर कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।